हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है कलर रेंडरिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने एक गुड़हल का फूल ड्रॉ करा है और उसका एक कंपोजिशन ड्रॉ करने के बाद फिर मैंने लाइट पिंक से फर्स्ट लेयर लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो लाइट प्रेशर के साथ फर्स्ट लेयर आपको पूरे फ्लावर में ऐड करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हल्के हाथों से आपको पहले ये पूरा फ्लावर फिल करना है धीरे धीरे। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है फर्स्ट टाइम, पहले बिल्कुल लाइट लाइट हल्के हाथों से आपको ये पूरा फ्लावर फिल करना है, ठीक है। इसे पूरा फिल करने के बाद हम उससे थोड़ा सा डार्क पिंक लेंगे फर्स्ट लेयर लगभग कंप्लीट होने वाली है। कोई भी एरिया व्हाइट मत छोड़िए, हल्के से अच्छे से फिल करिए पूरा और कोशिश करिए पेंसिल राउंड राउंड घुमाने की, नहीं तो स्ट्रोक्स ज्यादा दिखेंगे। यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर हम फ्लावर की ड्राइंग कर रहे हैं, फ्लावर की कलरिंग कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लावर एक्चुअल में काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो उस सॉफ्टनेस को हम पेंसिल के साथ कैसे दिखा सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है आपको पेंसिल काफी सॉफ्टली चलानी पड़ेगी, ठीक है। हल्के हाथों से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से, बहुत ज्यादा प्रेशर ना देना है, ठीक है। जिससे आपका फ्लावर उतना ही खूबसूरत बनेगा, ठीक है। तो सॉफ्टनेस के साथ आप पेंसिल ड्रॉ करेंगे, पेंसिल चलाएंगे हर एक एरिया में, ठीक है। तो नेक्स्ट हल्का सा डार्क पिंक, अब उससे हम हर एक पार्ट को फिल करेंगे। साथ ही आपको सामने देखना भी है कि किस जगह लाइट पड़ रही है, किस जगह डार्क हो दिख रहा है आपको, उसके हिसाब से धीरे धीरे प्रेशर भी इंक्रीज आप कर सकते हैं, ठीक है। जो मिडल वाला पार्ट है वहां पे थोड़ा सा डार्क, तो वहां पे लाइट नहीं पहुंचेगी, तो वहां पे थोड़ा सा डार्क एरिया रखेंगे। फर्स्ट मिडल हो चुकी है, नेक्स्ट करेंगे सेकेंड लेयर चला रहे हैं हम। इसी तरीके से धीरे धीरे फिल करते जाएंगे, लगभग हमने फिल कर लिया है पूरा। अब हम उससे भी डार्क, सबसे जो डार्क पिंक है हमारे पास है, उससे हम थोड़ा सा डिटेल्स भी ऐड कर रहे हैं, प्लस उसको डार्क टोन भी उसमें ऐड कर रहे हैं। कुछ लाइंस होती हैं पेरल्स में, उसको आप देख सकते हैं, तो वही डिटेल में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जब आप ध्यान से देखेंगे फ्लावर को, गुड़हल के फ्लावर को, तो आपको काफी डिटेल्स मिलेंगे, तो उसी चीज को यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। धीरे धीरे डिटेल्स ऐड करते जाइए। स्लोली स्लोली अब यहाँ पे हमने एक वर्मिलियन कलर लिया है, वर्मिलियन रेड। पहले पिंक हमने शेड किया, अब धीरे धीरे हम रेड की तरफ बढ़ेंगे। पिंक एंड रेड के शेड्स एंड टोन्स यूज करेंगे, ठीक है। सेंटर में थोड़ा सा डार्क ज्यादा रखेंगे, डिटेल्स थोड़ी सी ऐड करेंगे। कलर करते समय इस बात का भी ध्यान रखिए पेंसिल जितनी शार्पन होगी उतनी डिटेल्स आपकी अच्छी बनेंगी, ठीक है। आप डिटेल्स अच्छी तरीके से कर पाएंगे, प्लस आपका वर्क काफी डिटेल्ड एंड स्मूथ दिखेगा, ठीक है। प्लस नीटनेस भी आएगी, इस बात का भी ध्यान रखिए।
तो इसी तरीके से हम पूरा फिल करने के बाद अब जैसे कि देख रहे हो बीच में थोड़ा सा डार्क डार्क मैंने किया है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं फिर उसमें थोड़ा सा लाइट मैं वहां पे कर रहा हूँ क्योंकि मिड में ज्यादा डार्क होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग अब यहाँ पे रेड उससे भी हम हर एक पार्ट को फिल करेंगे, उससे थोड़ा सा डार्क कलर लिया है। जैसे हम इस फ्लावर को कर रहे हैं उसी तरीके से आप सेकंड फ्लावर को भी करेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट में थोड़ी सी डिटेल्स और करनी है एंड सेंटर में थोड़ा सा और डार्क करेंगे, बीच में हल्का सा और डार्क डार्क रेड लिया है मैंने क्रिम्सन रेड। उससे थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर रहे हैं सेंटर में, जितना डार्क करेंगे उतनी ही डेप्थ आपको फील होगी। ठीक है, अगर आप कुछ भी 3D में बना रहे हैं रियलिस्टिक बना रहे हैं तो उसमें डेप्थ होनी बहुत जरूरी है, उसको रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट करने के लिए आपको डेप्थ देना चाहिए। ठीक है, एजेस में थोड़ी डिटेल्स हल्की सी और डिटेलिंग लगभग फाइनल होने वाला है हमारा ये पहला फ्लावर। थोड़ा सा और डिटेल्स एजेस में, इस सॉफ्टनेस का मैंने ध्यान रखा है। तो जैसे हमने पहला फ्लावर ड्रॉ किया था उसी तरीके से हमने सेकंड फ्लावर को भी ड्रॉ कर लिया है। अब आते हैं हम लीव्स की तरफ। तो लीव्स के लिए सबसे पहले हमने येलो लिया है, लाइट येलो उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद लाइट ग्रीन, फिर थोड़ा मिड ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लेमन येलो लिया है, उसके बाद क्रोम येलो भी ले सकते हैं आप। लेमन येलो ना यूज करना चाहे तो आप क्रोम येलो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर यूज किया है, लाइट ग्रीन। ठीक है, एंड देन हल्की सी डिटेल्स उसमें ग्रीन के साथ। जहां से भी देख के बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, फिर कहीं से भी कर रहे हैं, उसमें डिटेल जितनी हो उसको ऑब्जर्व करके और उसको फॉलो करिए। ठीक है, जितनी आप डिटेल्स उसमें ऑब्जर्व करेंगे आप उतनी ही ड्राइंग में डिटेल्स ऐड करने की कोशिश करेंगे तो उतना ही आपका वर्क काफी अच्छा आएगा। इसी तरीके से हम और भी लीव्स ड्रॉ करेंगे कलर के साथ इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। आपको यहाँ पे जो टॉप पे लीव्स दिख रही हैं थोड़ी सी लाइट होगी क्योंकि अपर पार्ट है। ठीक है, वो लीव्स काफी फ्रेश होती है तो इसलिए वहां पे ब्राइट कलर्स होंगे, लाइट कलर्स। ठीक है, हल्के हल्के डिटेल्स ऐड करते जाइए
bright green. मैं डार्क ग्रीन यूज कर रहा हूँ. प्रेशर मैंने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है क्योंकि वहां पे मुझे लाइट ही रखना है ऊपर लीव्स. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ब्राउन यूज किया है हल्का सा. यहाँ पे फिर से ग्रीन ऊपर की तरफ, लाइट ग्रीन. डार्क ग्रीन थोड़ा सा. अब इसी तरीके से हम कुछ और लीव्स को ड्रॉ कर लेते हैं. इसी तरीके से हम सारे लीव्स को स्लोली स्लोली धीरे धीरे आप करते जाइए, डिटेल्स ऐड करते जाइए बाकी लीव्स को फॉलो करते हुए. डार्क ग्रीन वहां पे, नेक्स्ट डार्क ग्रीन उससे ज्यादा, उससे थोड़ी सी डिटेल्स राइट साइड भी. यहाँ पे ब्राउन में यूज कर रहा हूँ, लाइट ब्राउन. डिटेल्स थोड़ी सी एडजस्टमेंट. अब आते हैं लोअर पार्ट की तरफ. इसके बाद लास्ट में लोअर पार्ट में करना है कलर. सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर की तरफ किया है. सेट कर रहे हैं उसी तरीके को फॉलो करते हुए. नीचे भी हमने कंप्लीट कर लिया था लीव्स को, लगभग लास्ट लीव्स मैं कर रहा हूं. लास्ट डिटेल्स लगभग हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट होने वाला है. लास्ट डिटेल्स थोड़ा सा इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हल्के से शेडोज हम ग्रे कलर से ऐड कर रहे हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लाइट ग्रे यूज किया है एंड फिर हल्का सा डार्क ग्रे, जिससे कि थोड़ा सा डेप्थ या फिर थोड़ा सा शेडोज इसकी आपको शेडोज जैसी फील आएगी. ठीक है, इसको वजह से थोड़ी सी इसमें खूबसूरती बढ़ जा रही है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं हल्का सा इसमें डेप्थ वाली फील आ रही है. ये पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुका है. फाइनली ये लगभग कंप्लीट हो चुका है. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच.